वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 मैथमेटिक्स कंपलसरी जो एग्ज़ाम है उसके ऑब्जेक्टिव का 100% करेक्ट आंसर की लेकर मैं हाजिर हूँ। तो सब लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल पर 100% करेक्ट आंसर की मिलेगा। तो चलिए आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका पहला है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है कैसा होता है। तो देखिए, तो इसका देखिए टर्मिनल टर्मिनेटिंग रिकरिंग आपका ऑप्शन दिया है कि है ना दशमलव पी बाई क्यू के जो रूप में रहता है वो शांत या अशांत अनावर्ती, शांत या अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है पी बाई क्यू के रूप में है ना, इसको अशांत आवर्ती और शांत होता है, इसलिए यहाँ पे बी हो जाएगा। दूसरी संख्या है आपका कि 3.72123435 कैसी संख्या है, तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए दो का ए परिमेय हो जाएगा। तीन नंबर आपका सवाल है कि 0.5, तो 0.5 का पी बाई क्यू के रूप में तो आप घटाएं पॉइंट हटाएंगे 10, तो 5 × 5 × 2 = 10, 1/2 के रूप में हो जाएगा। और आपका अगला जो सवाल है चार नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 7/9 का दशमलव रूप है। तो देखिए 9 का मतलब होता है एक रेकरिंग चढ़ाना था, 7 के ऊपर रेकरिंग चढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे आपके किसी भी ऑप्शन में रेकरिंग वाला ऑप्शन नहीं है, तो 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि पाई का सन्निकटन मान होता है, तो सन्निकटन मान जो है 22/7 होता है, ये सो सबको मालूम होगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर है एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का घात क्या है। तो देखिए सबसे पहले गुना कीजिए, तो यहाँ पे आपका एक्स के पावर 5 हो जाएगा और -4xq, तो मैक्सिमम पावर ही घात कहलाता है, तो 5 हो जाएगा 6 का भी। 7 नंबर है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 0 बराबर क्या होगा, तो आप जैसे ही 0 रखिएगा तो एक्स स्क्वायर के जगह पर 0 होगा, 3 के जगह पर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 5, या 7 में सी हो जाएगा। ठीक है, 8 है 2xq प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से भाग देना है। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2xq को एक्स ले भाग कर दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर को भी एक्स ले भाग कर दीजिए और एक्स को भी एक्स से भाग कर दीजिए, ट्रिक समझिए है ना। तो यहाँ कट जाएगा तो आपका 2x² बचेगा और यहाँ से एक एक्स कट जाएगा तो प्लस एक्स बचेगा, यहाँ का एक एक्स कटेगा तो 1, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 में सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 नंबर है कि पी एक्स है ना, पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स माइनस 4 है, पी बराबर 4 बराबर है, तो पी एक्स माइनस 4 देन पी 4 इज इक्वल टू है ना, तो एक्स माइनस 4 दिया है तो इसको गुणनखंड है तो आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो एक्स बराबर आपको 4 मिल जाएगा, तो यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है कि 105 और 95 का गुणनफल होगा, 105 और 195 का गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए है ना, 105 में जैसे यहाँ 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, ट्रिक से समझिए, और 100 माइनस 5 यहाँ ए स्क्वायर हो गया तो 10,000 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 घटा लीजिए तो 75 किसके लास्ट में है, यहाँ पे 75 नज़र आ रहा है, यही होगा आपका 99/75। ठीक है, तो 10 में ए हो जाएगा, -2 और -3 किस चतुर्थांश में, तो माइनस माइनस आपका तृतीय होता है, तो आपका सी हो जाएगा। एक अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर वाई निर्देशांक क्या होता है, तो वाई निर्देशांक आपका 0 होता है, एक अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक 0 होता है, तो डी हो जाएगा। मूल 13 नंबर सवाल आपका है कि मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का 0,0 होता है आपका 13 में, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 14 नंबर, किसी त्रिभुज के अधिक कोणों की महत्तम संख्या क्या होती है, 14 में पूछा है, तो अधिक कोण सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है, और 15 है कि बी सी बराबर ए बी, कोण सी जो है आपका है ना 80 डिग्री, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो अब एक 80 डिग्री हो गया तो दो को कोण कितना होगा 100, और इसमें आप दो से भाग कर दीजिए, ट्रिक समझिए, 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का डी हो जाएगा। 16 है किसी त्रिभुज के समकोणों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, समकोण देखिए किसी भी त्रिभुज में एक ही बनता है ना, तो 16 का ए हो जाएगा। 17 है दी गई आकृति में
ए बी और ए सी बराबर है, कोण ए 100 डिग्री तो कोण बी के माप। तो जब ए को 100 डिग्री हो गया ना, तो दो को कोण मिला के, अब दो को जो कोण होगा, दो कोण उसको मिला के आपका 80 डिग्री होगा। अब 80 होगा तो ए को उसमें से पूछ रहा है बी का, तो दो से भाग कर दीजिए तो आपका 40 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 17 में 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17 में कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी परस्पर बराबर हो, है ना, एबीसी सब बराबर है। तो देखिए जब भी ये सब आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होता है, तो आपका हो जाएगा 18 में बी, ठीक है। 19, यदि दो आयत सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल होते हैं, तो दो समरूप त्रिभुज के जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है, तो उसी तरह से दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के, तो इसी तरह से इसमें बराबर ही होगा, ठीक है। 19 है कि यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 88 है, विकर्ण इतना है, तो दूसरा विकर्ण, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 हो गया, 1/2 गुने पहला विकर्ण, तो D1 आएगा आपका दे दिया 11, तो यहाँ 11 8 88 कटा लीजिए, अब दो जो है यहाँ जाके गुना कर लेगा, तो D1/2 × 8 इस तरह से आपका 16 हो जाएगा। 16 आपके कौन ऑप्शन में, सी में, तो 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर आपका सवाल है कि चतुर्भुज ABCD में BM समांतर CD है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो एरिया ऑफ ABCD का जो होगा ये हो जाएगा A, 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर है कि द्वितीय, 22 हाँ 22 यही होगा, थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन 22 का, है ना, दुगुना तिगुना 22 का अगर क्वेश्चन दिखता तो 23 है कि द्वितीय पाद में किसी बिंदु का भुज होगा, तो द्वितीय पाद में देखिए माइनस होता है प्लस, तब भुज एक्स को कहते हैं, तो वो ऋणात्मक होगा, ये हो जाएगा 1/2 किस अक्ष पर स्थित है, तो ये अक्ष पे नहीं है ना, एक्स और इनमें से देखिए एक और दो का जैसे मान लीजिए ग्राफ कीजिएगा, तो एक दो जो है क्वाड्रेंट में आता है, इस तरह से आएगा, तो किसी अक्ष पे नहीं आता है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। एक घनाकार बक्से का विकर्ण 300 दिया है, तो √3 × भुजा होता है, √3 × भुजा बराबर √300, इसको कटाइएगा तो 100 बार में कटेगा, √100 बार में, तो ए बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, तो उसका शायद आयतन पूछा है, तो ए 10 आया, तो आयतन पूछा है, तो भुजा क्यूब कर दीजिए, तो 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ABC आयाम वाले किसी घनाप का आयतन भी है तो उसका पिग्रीज एस है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ 2S दिया है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, LCM लेंगे तो ABC, ठीक है। ABC आयाम वाले किसी घनाप का आयतन भी हो, घनाप का आयतन दिया, LBH जिसको कहते हैं, ABC आयाम वाले, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए क्या दिया है और कैसे सॉल्यूशन करना है। B का मान आपका ABC दिया है, ठीक है, 2/S, यहाँ LCM लेंगे तो ABC हो जाएगा, ठीक है ना, ABC, और यहाँ पे आप गुना करेंगे तो खाली AB, BC और CA आएगा, तो 2 × LB + BH + HS, इसको क्या कहते हैं, तो इसको आपसे पूछे 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई, इसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो S हो जाएगा, ये ऊपर वाला सबका मान S हो जाएगा, और फिर नीचे भी S है, और यहाँ आयतन है, आयतन का मैं भी, तो भी S ले S कट गया, तो 1/V आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1/V, ठीक है ना। 27 है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया है, तो इसकी ऊंचाई, तो आयतन में आपका π r² h होता है, इसका मान दिया है आपका 69/30, 22/7 आयतन इतना है तो उसकी ऊंचाई, है ना, एक लंबी बेलन का आयतन इतना है तो उसकी ऊंचाई है, तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा ये है ना आपका रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें ना आपका देवे नहीं किया कि त्रिज्या क्या है, कोई एक चीज़ और देना चाहिए था, इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं। 28 है कि किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो सतह 6 होता है। 29 है 0 से 20, 21 से 20 कौन सा वर्गात्र, तो इसको हम अंतिव्यापी बोलते हैं, ठीक है ना। और आगे है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध, तो 7 को संख्या लिख लीजिए शुरू वाला, ठीक है, 7 को लिख के इसमें 7 से भाग कर दीजिए, 7 × 6 = 13, 5 × 18 = 22, 2 × 27 = 28, 28/7 कटा लीजिएगा तो 4 बार में, तो बिल्कुल 30 का सी हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो में
100% करेक्ट आंसर की बताया है। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।